श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, 2024 में दो फिल्म आने वाली है। एक है मूवी 695 और दूसरा है नोटिस। जी हाँ मित्रों, आप सभी को पता है कि बहुत पहले, आज के 22-25 साल पहले, धारावाहिक रामायण पूरे विश्व में फेमस था। रामायण को हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं। रामानंद सागर द्वारा कृत किया गया धारावाहिक रामायण, उस रामायण को कोरोना काल में फिर से रिप्लेस किया गया था, फिर से चालू किया गया था, और उस टाइम पे भी उस पर अद्भुत किस्म के व्यूज आए। धारावाहिक रामायण एक्चुअली रामायण जैसा ही लगता है। एकमात्र एक ऐसा सीरियल है जो कि अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले में रिकॉर्ड स्थापित किया है। उस रामायण को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। उस रामायण में हर एक कैरेक्टर वास्तविक कैरेक्टर लगता है। उसी रामायण में काम करने वाले अरुण गोविल जी, जो कि राम भगवान के किरदार में दिखाई दिए हैं, माता सीता के किरदार में दीपिका चिखलिया को कौन भूल सकता है, लक्ष्मण जी सुनील लाहड़ी को कौन भूल सकता है, अरविंद द्विवेदी रावण को कौन भूल सकता है, हनुमान जी दारा सिंह जी को कौन भूल सकता है। ऐसे जीवंत कैरेक्टर रहे हैं उसमें। ऐसा लगता है कि ये लोग साक्षात भगवान के अवतार हैं और आकर के पृथ्वी पर रामायण की पुनर्स्थापना किए हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ोतरी होगी, तब तब मैं पृथ्वी पर आकर के किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना पुनर्स्थापना करूँगा। तो ये चीज़ देख करके तो ऐसा ही लगता है कि चूंकि कलयुग में लोग प्रमाण मांगते हैं कि भगवान का प्रमाण बताइए, कहाँ है भगवान दिखाइए, मैं देखने पे ही विश्वास करूँगा। द्वापर सतयुग और त्रेता में तो लोग ऐसे थे कि केवल बातें सुन लिया करते थे तो मान लिया करते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कलयुग में लोग प्रमाण मांगते हैं। इसलिए भगवान कहीं ना कहीं कलयुग में वीडियो फॉर्मेट में आ करके इस चीज़ की स्थापना किए हैं, ताकि लोगों को देखने पे भावना जगे। क्योंकि सुनने पे भावना यहाँ पे मर चुकी है लोगों की, सुनने पे कहानी या फिर पढ़ने पे लोगों की भावनाएं नहीं जग सकती हैं। तो जब रामायण पहली बार इस तरह की बनी तो लोग आंखों से आंसू आ जाते थे उन लोगों की कैरेक्टर देख करके। बहुत सारे लोग, बहुत फिल्म निर्माता आए और गए, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वैसी दूसरी रामायण नहीं बना सके, क्योंकि वहाँ पे लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। रामानंद सागर जो जी महाराज, वो स्वयं ऋषि थे, महात्मा थे, तो उनके द्वारा शोध करके बनाया गया रामायण। और साथ ही बड़े बड़े महात्माओं से, जैसे जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से भी उन्होंने पूछ करके रामायण के कई पंक्तियाँ उसमें डाली हुई हैं। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही हो रही है, बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं से उन्होंने पूछा है। इस तरह से रामायण को बनाया गया जो कि इतना ज़्यादा फेमस हुआ। उसी रामायण के काम करने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को आज भी लोग सीता और राम के स्वरूप में पूजा करते हैं। जहाँ तहाँ उनकी फ़ोटो लगा करके उनको धूप और दीप देते हैं। मित्रों, धारावाहिक रामायण के काम करने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को हम लोग 22-25 साल के बाद पुनः देखने वाले हैं दो मूवी के द्वारा। जी हाँ मित्रों, दो मूवी आ रही है। एक का नाम तो आपको पता हो गया होगा, जिसका नाम है मूवी 695, जो कि राम मंदिर अयोध्या के ऊपर बन रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि कुछ सीन बाबा बागेश्वर का भी हो सकता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी हो सकता है, और नहीं तो कुछ कहानी हो सकती है उनकी, कुछ सीन उनके गुरुदेव महाराज श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का हो सकता है। क्योंकि रामभद्राचार्य जी महाराज इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाए हुए हैं, जिनकी आँखें नहीं हैं और उन्हें वेद बहुत सारी चीज़ें याद हैं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का प्रस्ताव रखा था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए उनका भी सीन यहाँ पे कुछ न कुछ हो सकता है। अब उनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का भी कहीं ना कहीं सीन हो सकता है, अभी इसके बारे में क्लियर नहीं है। लेकिन 695 मूवी जो है वो रामायण के ऊपर ही, कहीं ना कहीं राम मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है। राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है कहानी के कैरेक्टर। अब मैं आपको बता दूँ, दूसरी मूवी जो आ रही है वो है मूवी नोटिस। जी हाँ मित्रों, अभी शायद आपने कम इसका नाम सुना हो या फिर नहीं सुना हो, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, नोटिस मूवी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर वर्गों के लिए बनाया गया मूवी है, और इसकी कहानी भी कहीं ना कहीं राम मंदिर अयोध्या या अयोध्या के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही घूमती नजर आती है। इसके कैरेक्टर भी लगभग कुछ इसी तरह के देखने को मिलेंगे। इसमें भी भगवान राम और सीता के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म को भी आज समाप्त कर दिया गया, इसकी शूटिंग मतलब आज पूर्ण हो गई। इसकी लास्ट शूटिंग चित्रकूट में हुई। मित्रों, मूवी नोटिस में विशेष कहानी क्या है मैं आपको बता दूं, गरीब और कमज़ोर लोग जो हैं उनके ऊपर इस फिल्म को निभाया गया है, बनाया गया है, और
कमजोर वर्गों को ऊपर जो है बड़े लोग जो है होते हैं वो, या फिर गुंडे मवाली टाइप के लोग होते हैं वो जुल्म किया करते हैं, तो ऐसे लोगों को इस फिल्म में दर्शाया गया है। और बड़े लोगों के या फिर दबंगों के जुल्म को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है। नोटिस मूवी की कहानी क्या है मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। दरअसल राम और सीता के किरदार में रहने वाले दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से रहते हैं, बहुत ही साधारण व्यक्ति रहते हैं। ये दोनों भी वहाँ पे भी पति और पत्नी के स्वरूप में नज़र आने वाले हैं, और अयोध्या के आसपास में ही इनकी इनका शॉपिंग सेंटर रहता है, कोई दुकान रहता है, ये लोग दुकान चलाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे लोगों के ऊपर कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोग जो दबंग होते हैं वो लोग जुल्म करते हैं, उनके दुकानों को बंद करवा देते हैं, उनके दुकानों पे ताला लगा देते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, कई लोगों के मकान गिरा देते हैं। वहीं पे अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया भी रहते हैं, इनके मकान को भी वो लोग गिराने की कोशिश करते हैं और फाइनली गिरा भी देते हैं। इसी बात को लेकर के अरुण गोविल यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मुझे अब यह जुल्म नहीं बर्दाश्त करना है, जुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। और इसी को लेकर के ये अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया अनशन पर निकल जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक सीन लगा रहा हूँ, इसे आप देख लीजिए, यह सीन आने वाला है मूवी नोटिस में, नोटिस कर लेना इस बात को, नोटिस मूवी में ये सीन आने वाली है। तो उसके बाद में इनको फाइनली न्याय मिलता है, अरुण गोविल जी को न्याय मिलता है और इनके दुकान को पुनर्स्थापित किया जाता है और दबंगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल और कहानी में थोड़ी बहुत ट्विस्ट इधर उधर हो सकती है, कहानी जो अभी तक मुझे क्लियर पता चला है वो यही कहानी है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि मूवी नोटिस में गाना कौन सा है। आप सभी को पता है कि जब भी कोई इस टाइप की मूवी आती है जिसमें कुछ लोगों को मोटिवेशन दिया जाता है या फिर कुछ ऐसे हिम्मत वाले चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है अक्सर आपने देखा होगा कैलाश खेर गाना गाते हैं। कैलाश खेर आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े फिल्मों में गा चुके हैं, जैसे कि बाहुबली में भी उन्होंने गाया था और बहुत सारी फिल्म, टूटा टूटा, एक परिंदा ऐसे, ऐसे बहुत सारे फेमस गाने हैं इनके। तो कैलाश खेर जी ही इसमें गाने वाले हैं, और इनके गाने को भी मैं आपको बता देता हूँ गाना कौन सा है। गाना है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, वैसे तो फिल्म रिलीज होगी लेकिन उससे पहले ही गाना रिलीज हो जाएगा, दिवाली पे गाना ये रिलीज हो जाएगा। मैं गाने का बोल थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, गाना नहीं डाल सकता मैं क्योंकि ये कॉपीराइट वाली बात आ जाएगी। तो गाना क्या है वो मैं बता देता हूँ। जन के मन खूब लुभाए राम सिया जी घर को आए, आरती गाओ मंगल गाओ चौक पुराओ मंगल गाओ, माथे तिलक लगाओ रे आए रे रामचंद्र घर आए रे रामचंद्र घर आए रे। दशरथ जी की सुन के बाणी, साथ में लक्ष्मण और सिया जी, केवट को भी गले लगाया, जात पात का भेद मिटाया। और कुछ है इसमें लाइन, क्रोध लगे तो धनुष उठाए रे आए रे रामचंद्र घर आए रे। तो ये गाना तो मैं पूरा नहीं गा सकता, मुझे याद भी नहीं, थोड़ा सा मैंने कहीं सुना था और किसी अभिनेता के पास में ही मैंने सुना था, तो बस मुझे थोड़ा सा सुनने में आ गया था, मैंने बता दिया यही गाना है, ध्यान दे लेना। फिलहाल नोटिस मूवी की भी शूटिंग आज पूरी हो चुकी है और इसकी लास्ट शूटिंग जो थी वो थी जो है चित्रकूट धाम में। तो चित्रकूट धाम में चूंकि वहाँ पे पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पूज्य गुरुदेव महाराज जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, तो कुछ सीन जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का भी आ सकता है, सुनने में आ रहा है, फिर कुछ कहानी आ सकती है, चूँकि चित्रकूट में ही शूटिंग हो रही है मूवी की। और राम सीता के मंदिर की बातें भी इसमें हैं, तो कहीं ना कहीं मंदिर वाली बातें अगर आती हैं तो जगतगुरु महाराज का भी सीन हो सकता है। फिलहाल कहानी पूरी नहीं मालूम है तो मैं नहीं बता सकता। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आज शूटिंग उसकी पूरी हुई है और आज अरुण गोविल जी को सुनने में आ रहा है कि कुछ इंटरनल चोट लग गया था, आज के शूटिंग में उन्हें कुछ चोट चपेट लग गया था, तो अभी वो ठीक हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्दी ही यह मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी सिनेमाघरों में भी। सुनने में आ रहा है कि 2024 के शुरुआत में ही यह दोनों फिल्म आ जाएगी, नोटिस भी और 695 भी। चलिए, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हुआ होगा क्योंकि पास में ही रामायण हो रहा है तो उसकी नॉइस आ रही होगी, चलिए कोई बात नहीं है।
तो मित्रों हम हमेशा इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, हर हर महादेव।